गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए, सिकंदर के आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल, और कल जो बातें मैंने आपको बताई थी उसमें सिकंदर के कुछ प्रमुख आक्रमणों के बारे में बताया था, जैसे एक तो शशिगुप्त की अधीनता और पुष्कलावती का जो राज्य था उसको अपने अधीन करना, कुनार, स्वात और पंजकौर को अपने अधीन करना, और फिर तक्षशिला का राज्य मैंने आपको बताया था, तक्षशिला का शासक था आम्भी जिसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण आक्रमणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं सिकंदर के, और वो जो हम पहला पढ़ेंगे वो है पोरस के साथ युद्ध। तो देखिए, तक्षशिला पर जब सिकंदर ने अधिकार कर लिया तब उसने पोरस पर आक्रमण करने की योजना बनाई, उसने निर्णय ले लिया कि अब वो पोरस पर आक्रमण करेगा। अब पोरस के बारे में आप जानते हो कि ये बहुत ही वीर और स्वतंत्रता प्रिय शासक था। मैंने आपको दो पोरस के बारे में बताया था, एक तो बड़ा पोरस और एक छोटा पोरस, ये बड़े पोरस की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए, पोरस जो है एक बहुत ही स्वतंत्रता प्रिय, एक बहुत ही स्वाभिमानी और वीर शासक था। सिकंदर के आगमन की जब उसको सूचना मिली तो तभी से उसने अपनी सैनिक तैयारियां आरंभ कर दी, और सिकंदर तो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हो गया था भारत में आकर। जब उसको शशिगुप्त और आम्भी जैसे शासक मिले तो वो बहुत ही, यू कैन से ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, और उसने अन्य शासकों की तरह पोरस के पास भी एक राजदूत अपना भेजा और उसको कहा कि वो पोरस को कहे कि वो सिकंदर से भेंट करे। यानी सिकंदर ये सोच रहा था कि राजदूत जाकर कहेगा कि भाई तुम्हें सिकंदर ने बुलाया है, उसे मिलकर आओ और उसकी अधीनता स्वीकार करें, ऐसा उसने सोचा, सिकंदर की सोच थी। लेकिन पोरस ने उसी दूत के माध्यम से यह कहलवा दिया कि सिकंदर को कहो कि वो, कि पोरस उसका स्वागत रण क्षेत्र में करेगा अपनी सेना के साथ। यानी पोरस ने ये साफ कर दिया, ये स्पष्ट कर दिया कि अब वो युद्ध के मैदान में ही सिकंदर की सेना का सामना करेगा। तो जब सिकंदर को यह जवाब मिला पोरस का, तो निश्चित रूप से वो क्रोधित हो गया, और तक्षशिला से लगभग 14 दिन की यात्रा के पश्चात वो झेलम नदी के तट पर पहुंच गया। ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, भारत की तरफ वो रुख करने लगा। भारत में तो खैर आ गया था और ईस्ट की तरफ वो रुख करने लग गया। दूसरी ओर पोरस पहले से ही आगाह था इस बात का कि सिकंदर भारत में आया हुआ है और वो कभी भी आक्रमण कर सकता है, तो वो भी एक विशाल सेना लेकर झेलम नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। अब देख लीजिए कि झेलम नदी है जैसे बीच में, एक तरफ सिकंदर की सेना है, एक तरफ पोरस की सेना है, ठीक है। अब देखिए क्या स्थिति बनी कि इस समय जब सिकंदर और पोरस झेलम नदी के दोनों ओर जो है अपनी सेना को लेकर खड़े थे, इस समय झेलम नदी में बाढ़ आ गई जिससे सिकंदर झेलम नदी को पार नहीं कर पाया। लेकिन एक इतिहासकार कहते हैं कि वो पोरस को ज्यादा समय नहीं देना चाहता था सैनिक तैयारियों का, इसलिए बेशक उस समय बाढ़ आ गई थी, बेशक उस समय बहुत तेज जो है हवा चल रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, सिकंदर ने यह मन बना लिया कि अब वो ज़्यादा समय नहीं देगा पोरस को अपनी सेना सैनिक तैयारी करने का या इंतजाम करने का। तो देखिए, रण क्षेत्र से यानी झेलम के उस तट पे जहाँ वो खड़े थे, उस मैदान से, उस इलाके से लगभग 70 मील उत्तर की ओर सिकंदर अपनी सेनाओं को लेकर गया, और वहां पे मोड़ था एक झेलम नदी का, उसमें एक द्वीप बना हुआ था जिसमें घने जंगल थे, तो वहां से उसने जो है झेलम नदी को पार करना
मुनासिब समझा, बेहतर समझा। तो आधी रात को जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तूफ़ान आ रहा था, मतलब बारिश वाला तूफ़ान था, ऐसे में वो इस भीषण परिस्थितियों में सिकंदर ने अपनी सेना सहित झेलम नदी को पार करने में सफलता हासिल कर ली। और जैसे इसकी सूचना पोरस को मिली, वो तो तैयार था, उसने अपने पुत्र के अधीन 2000 घुड़सवार और 120 रथ जो है सिकंदर की सेना का सामना करने के लिए रवाना कर दिए। दोनों के बीच में घोर युद्ध हुआ और इसमें पोरस का जो पुत्र था वो लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात सिकंदर झेलम नदी को पार करके और कर्री के मैदान में पहुंच गया। कर्री एक जगह का नाम है। एरियन के अनुसार पोरस की सेना में 50,000 पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, 1,300 रथ थे और लगभग 130 हाथी इसमें सम्मिलित थे। तो उसने अपनी सेना को बहुत ही नियोजित ढंग से स्थापित कर रखा था और वर्षा निरंतर हो रही थी। तेज बारिश और तूफान के बीच सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच में कर्री के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। दोनों पक्षों के बीच में लगभग 8 घंटे तक युद्ध चलता रहा। पोरस जो है कभी हाथी पर कभी घोड़े पर बैठकर अपनी सेना का नेतृत्व करता रहा। हालांकि हाथी ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुए क्योंकि भूमि जो है दलदली हो गई थी, हाथियों का जो मूवमेंट था वो बहुत कम हो पा रहा था। दलदली भूमि होने के कारण हाथी ठीक से चल नहीं पा रहे थे, ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुए। और जो रथों पर चढ़कर युद्ध करते थे भारतीयों की, तो यही शुरू से आदत थी, तो रथों के जो पहिए थे वो कीचड़ में धंस गए। इसी तरह से उनके जो बड़े बड़े धनुष बाण हुआ करते थे, धनुष को नीचे टिकाकर और बड़े बड़े धनुषों को नीचे टिकाकर और फिर जो है बाण छोड़े जाते थे। अब वो धनुष भी नहीं टिक पाए क्योंकि मिट्टी जो है वो दलदली हो गई थी भूमि। तो ऐसे में ये जो स्थितियाँ थी ये सिकंदर के पक्ष में हो गई। धीरे धीरे जो है युद्ध था वो सिकंदर के पक्ष में होता चला गया और सिकंदर की सेना ने पोरस के सेना के हाथियों पर वार करना आरंभ कर दिया। और इसी बीच जो है पोरस को कंधे में चोट लगी, घायल हो गया और उसकी सेनाएं जो है तितर बितर हो गई। पोरस के दो पुत्र और हजारों सैनिक इस युद्ध में मारे गए। पोरस को भी बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर उसको पकड़कर सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया। अब देखिए क्या स्थिति है। अब जब पोरस को बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, हथकड़ियाँ लगी हुई है उसको, घायल है वो, ऐसी स्थिति में सिकंदर ने उससे पूछा कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने बहुत ही निर्भीकतापूर्ण उत्तर दिया। उसने कहा कि ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे कि एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, या एक राजा को दूसरे राजा के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वैसा व्यवहार वो अपेक्षित है सिकंदर से। तो सिकंदर ने जब पोरस का ये उत्तर सुना तो उसकी वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ। कहते हैं कि पोरस से मित्रता करके उसने पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया था। यहाँ तक कि उसने बहुत से अपने जीते हुए क्षेत्र भी पोरस को वापस दे दिए थे। यूनानी स्रोतों से हमें पता चलता है कि इस युद्ध में जो पोरस का घोड़ा था बॉकफला मारा गया था, और जहाँ पर वो मारा गया था उस नगर, वहाँ पे एक नगर बसाया गया जिसका नाम बॉकफला रखा गया, जहाँ पोरस का जो घोड़ा था वो मारा गया था। और फिर बाद में उसने अपनी विजय के उपलक्ष में दूसरा नगर जो है निकाय में बसाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पोरस के साथ युद्ध संपन्न हुआ। हालांकि देखिए ये जो बातें हमें यूनानी स्रोतों से पता लगती हैं, यूनानी स्रोत तो ये कहते हैं कि इसमें सिकंदर जीत गया था, पोरस हार गया था। बाकी भारतीय स्रोतों से हमें ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं इसके बारे में। कुछ भारतीय इतिहासकार तो ये मानते हैं कि इसमें पोरस
कि जीत हुई थी सिकंदर, पराजित हो गया था, ये दोनों ही बातें हैं, ये विवाद का जो है प्रश्न है। बाकी पढ़ने को यही पढ़ा जाता है कि सिकंदर इस युद्ध में जीत गया था, पूरस पराजित हुआ था। अच्छा, इसके इस महत्वपूर्ण युद्ध के बाद फिर सिकंदर का आत्मविश्वास और बढ़ गया। फिर उसने आगे ग्लोब निकाय, छोटे पूर्व और कट राज्य पर आक्रमण किया। ग्लोब निकाय पर उसने आक्रमण करके उसे अपने राज्य अपने अधिकार में ले लिया। इसके पश्चात वो छोटे पोरस की ओर बढ़ा। छोटा पोरस या पूर्व तो आप जानते हैं कि वो पहले ही जो है सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर बैठा था। सिकंदर ने उसके राज्य पर अधिकार उसको वापस सौंप दिया। इसके पश्चात फिर कट जाति के साथ सिकंदर की सेना का मुकाबला हुआ। तो कट जाति के लोग बहुत ही जो है ना रण कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, विख्यात थे। इस जाति ने सिकंदर की सेना का बहुत वीरता के साथ सामना किया, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई, काफ़ी तंग किया, बहुत से जो यूनानी सैनिक थे वो इसमें मारे गए, लेकिन अंततः जीत सिकंदर की ही हुई। और कठों को पराजित करने के पश्चात फिर 324 ईसा पूर्व में वो ब्यास नदी के तट पर पहुंचा और वहां अपना शिविर लगा लिया। और वहां पहुंचकर ब्यास नदी के तट पर पहुंच के उसने आगे जाने की जो है प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि वो अब आगे बढ़ेगा अपने आक्रमण के लिए, क्योंकि असली आक्रमण अभी उसने किया नहीं, अभी तो मगध को उसने हासिल करना है। लेकिन सेना ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। कारण क्या था? बहुत से कारण थे। एक तो यूनान से चले हुए, देखो कहाँ तो यूनान है यूरोप में और कहाँ भारत है, बहुत समय हो गया था सेना को, अपने घर वालों की याद सता रही थी उन्हें, परिवारजनों की यादें उन्हें व्याकुल करने लगी और सिकंदर को उनकी बात ये स्वीकार करनी पड़ी। वैसे भी ये सैनिक निरंतर युद्धों से थक गए थे। हालांकि जब सिकंदर को विजय प्राप्त होती थी तो इन्हें भोग विलास का मौका भी मिल जाता था, लेकिन उनकी शारीरिक थकन नहीं मिटती थी। उन्होंने एक लंबे विश्राम की मांग की कि बहुत हो गया, बहुत लगातार जो है युद्ध करते जा रहे हैं, अब हमारे बस के नहीं आगे जाना। फिर ब्यास नदी से आगे मगध का शक्तिशाली राज्य था, उस समय नंदवंश का शासन था मगध में। नंदों की जो सेना थी वो बहुत शक्तिशाली थी, 2,00,000 पैदल सैनिक, मतलब 30,000 घुड़सवार, 20,000 रथ, इतने हाथी उनकी सेना में थे। जब उस सेना की संख्या के बारे में सुना सिकंदर के सैनिकों ने तो उनके हौसले पस्त हो गए। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से 20,000 पैदल सैनिक और 2,000 घुड़सवारों की जो सेना थी पोरस की, उसको जीतने में इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, तो 2,00,000 पैदल सैनिक कैसे काबू में आएंगे। तो सिकंदर ने हालांकि जिद की उनसे, लेकिन उन्होंने अपना सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वैसे भी सिकंदर के की सेना को भारत की जो जलवायु थी, भौगोलिक जो परिस्थितियां थी, वो रास नहीं आई। पर्वतीय क्षेत्र में भी उन्हें काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी। और आप ये देखिए कि भारतीय जो कबीले थे, जैसे कट कबीला था, उनकी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली ने सैनिकों को बहुत परेशान किया था और आगे वो मज़ीद जो है कष्ट झेलना नहीं चाहते थे, अधिक कष्ट झेलना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अब ये निर्णय ले लिया कि वो वापस जो है अपने देश जाएंगे और उनका विजय अभियान जो है वहीं समाप्त हो गया। सिकंदर ने लौटते समय अपनी सेना को फिर 2 भागों में बांट दिया। थल मार्ग से वो स्वयं गया, अपनी जो बाकी दूसरा जो जत्था बनाया उसने सेना का, वो जल मार्ग से उसकी वापसी हुई। अब देखिए, सिकंदर जब वापस लौट रहा था तो कुछ जो जातियां जिनको उसने पहले पराजित किया था, उन्होंने सिकंदर को काफ़ी परेशान किया और रास्ते में सिकंदर घायल भी हो गया। और इस तरह से बेबीलोन, मतलब बलूचिस्तान से ईरान होता हुआ वो बेबीलोन नामक स्थान पर पहुंचा, बेबीलोन, ठीक है। और यहाँ पर उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया, भयंकर ज्वर हो गया, जिसके कारण 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई, जब वो 33 वर्ष का था। तो इस प्रकार से ये सिकंदर के भारत पर आक्रमण। आप वीडियोस जो हैं वो लगातार देखते रहिए। अभी ये लॉकडाउन रहेगा 31 मई तक, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी ऑफलाइन क्लास लग जाए। तो मुझे लगता है कि ये पूरा सेशन ही ऑनलाइन क्लासेस का होगा, तो आपको ऐसे ही जो है लेक्चर सुनने होंगे,
और अपनी तैयारी करनी होगी। थैंक यू।